और हमारे साथ थोड़ा सा स्पैमी भी हो गया। ये बोर्डिंग पास मिला है जिससे हम दर्शन कर सकते हैं। जय माता जी। अगर हम ही घोड़े ले लेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी। दिल के मरीज हो तो आप जीना मत यूज करना। क्वालिटी देख लो भाई, वहाँ मिलेगी पर्ची आपको अर्धकुमारी में दर्शन करने की। वो बिजली कड़की ना अपने लॉकर में रखना वाला। बेल्ट भी नहीं पैन टाइट है ना। वो वाला रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है, मतलब रोड आपको सपाट से मिलेगी। यहाँ से लॉकर का नंबर मिलेगा कौन सा अलॉट हुआ है आपको। हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस, ये मेरी ट्रिप का सेकंड डे है और हम आज चढ़ाई करने वाले। और हमारे साथ थोड़ा सा स्पैमी भी हो गया, क्योंकि क्या है ना, हम जब रेलवे स्टेशन से निकले ना तो वहाँ से पूछ रहे थे कि होटल होटल, तो हमने उधर पता किया तो 1000 रुपये मांग रहे थे। ठीक है, तो हम आगे और आए तो फिर 700 रुपये मांग रहा था, तो हमने 600 करवाया और उसमें वैन की भी फैसिलिटी थी। और कमरा देखो यार, फिर एक्सपीरियंस का बताते क्या स्पैम हुआ क्या नहीं। देखो, स्पैम बोल सकते हैं ना। कह रहा था कि वाईफाई भी दूंगा और गीजर भी दूंगा, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा उसने बोला था ना वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या है ना, वाईफाई नहीं है जो उसने मेन बात बोला, और गीजर भी नहीं है। रूम टूर करा देता हूँ। क्या टूर, एक तो माथा गर्म हो रखा है अपने, और यहाँ टीवी लगा दिया है, वो भी पता नहीं क्या है, सिस्टम ही बिगड़ा पड़ा है इनका। देख लो, पपड़ी उतरी पड़ी है, मतलब डिस्कस्टिंग रूम नहीं होता है। देखो ये लेटे पड़े हैं और गीजर के नाम पे देखो क्या है भाई, ऊपर कुछ नहीं है, गीजर उजर देखो यही है। नहीं लेना चाहिए था हमें इससे। उसने जो रूम दिखाया था पहले स्टेशन पे वो तो अच्छा था, क्या पता वो भी स्पैम करता। हमें देख के लेना चाहिए रूम, दिखाओ पहले। गाइस, आप जब आओगे ना स्टेशन से बाहर तो आप उनसे बिल्कुल मत रूम लेना। वो बोलते हैं कि रूम चाहिए आप मत लेना, बिकॉज क्या होता है ना, वो आपके साथ स्पैम कर देते, बोलते कुछ है और देते कुछ है। वो 1000 रुपये बोल रहा था स्टेशन वाला, और फिर थोड़ा और बाहर निकल के वो उसने 700 बोला, तो हमने 600 कराया। चलो, जब तक आप रूम ना देखो ना तब तक आप पैसे मत देना। हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा, अब खर्च तो हो गए गाइस 600 रुपये हमारे इधर भी, रूम के 600 रुपये। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी वैन के लिए अंदर पता करने गए थे भैया, फिर कह रहा 10 मिनट बाद आएगी। रूम लेने से पहले ना आपको सारी चीज बताएंगे, ये है ठीक है, वैन की फैसिलिटी है और 2 मिनट में आ जाएगी, आपको बस फोन करना है और 2 मिनट में आ जाएगी। घंटा कुछ नहीं होता यार ये सब। ठीक है, तो इस स्पैम में मत ही पड़ना। आपको लोग पूछते हैं ना कि होटल चाहिए, नहीं मत लेना उनसे, आप बुकिंग करा के आना, मतलब खुद से जाके ढूंढना। हाँ, खुद से जाके होटल देख के तभी लेना, क्योंकि जब हम एंट्री हुए ना रूम में बदबू आ रही थी। बताओ, 1.5 घंटा रहे हम, नहा के निकलते ही हम रेस्ट थोड़ा बहुत किया और निकले हम, क्योंकि बदबू इतनी थी कि पूछो मत, रेस्ट नहीं हो पाया। तो यही सीन है भाई। अभी तो गाइस हमने खाना भी नहीं खाया सुबह से, ना चाय पी है ना कुछ खाया है। देखो सामने का व्यू कुछ ऐसा है गाइस, मस्त। गाइस अभी ना वैन का इंतजार कर रहे थे, वैन तो आई नहीं, तो सोचा चाय वो पी ले, तो चाय पी रहे भाई, 15 की चाय है, एक आ गई हमारी चाय। भाई चाय वो पी लिया, चाय सही थी लेकिन 15 की थी, 10 की होती तो एकदम ठीक रहती। और भाई 60 के पराठे और दही, पनीर की सब्जी भी होती ना उसमें, या फिर कोई भी सब्जी भी होती तब भी हम 60 रुपये दे देते दही, मतलब ना लॉजिक बन रहा है उसका। गाइस ये बोर्डिंग पास मिला है जिससे हम दर्शन कर सकते, पीछे मिला, बस नाम बोलना होता है और पिन कोड, ऐसा बोर्डिंग पास मिलेगा जिससे आप दर्शन करोगे। ये स्टेशन पे भी मिल रहा था लेकिन वही है ना, स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। जो ये हमने माथे पे बांधा है ना, ये आते वक्त यहाँ पे बांध देते हैं, आते वक्त इसके नीचे देखो गाइस, भाई गदर चेकिंग होती रही है, उधर तो नहीं जमा कर देंगे। नहीं, कितना मस्त व्यू है गाइस, देखो सीधा यहाँ पे हो रही है गाइस चेकिंग। जो लाइन लगे थे ना हम,
वो चेकिंग की लाइन थी। फाइनली गाइस अंदर आ चुके हैं, चेकिंग वेकिंग हो गई है। और बच्चों ये भी है बच्चों के लिए, ये है बच्चों, ये देखो छोटे बच्चे को आप गोद में उठा के कब तक चलोगे, इसलिए ये ले सकते हो। ये जो डंडे मिल रहे हैं ना, 20 का डंडा मिल रहा है, और ना वापस इसे दोगे ना तो 10 रुपए रिटर्न हो जाएंगे। इन्होंने एक डंडा ले लिया, कह रहे कि ले लेता हूँ। ये देखो घोड़े भी हैं इधर। क्या है ना गाइस, घोड़े मत लिया करो। क्यों? क्या होता है ना, घोड़ों को बहुत तकलीफ होती है चंदन। हाँ, अगर मान लो इतना आए हो तो खुद क्षमता रखो कि चढ़ सके। माता रानी का नाम लो, चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पालकी भी है, पालकी इधर। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। ये देखो गाइस, भाई ब्रेक चल रहा है अभी रेडबुल का, 150 रुपए की है ये। गाइस 11:30 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, अभी 1 बजने वाला है, 54 हो गए, 12:54। भाई घोड़े इतने टाइट है, इन लोगों के रेडबुल पीना पड़ रहा। ये जो घोड़े आ रहे हैं ना गाइस, घोड़े भाई अनलिमिटेड चले जा रहे, रुक नहीं रहे, और देह पे भी चढ़ जा रहे, भागना पड़ रहा है घोड़ों से। एक तो घोड़ों को देख के चलो, और ऊपर से ये 3 बैग। मैंने इन्हें बोला था भैया को कि अपना बैग रख दो, अरे वो छोटा है, तेरे से छोटा है। धीरज को बोला था मैंने। सबसे बड़े भैया यही हैं हमारे ग्रुप में, फिर मैं सेकंड में मैं आता हूँ, थर्ड में ये। अब निकलते हैं, अब ज़्यादा ही बैठ लिया, ज़्यादा रेस्ट भी करना ठीक नहीं है। गाइस ये है ना प्रथम दर्शन मंदिर, इधर अंदर जाके हमने दर्शन कर लिए हैं। जब आओगे ना आप तो प्रथम मंदिर है ये, ये भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत महंगे महंगे होंगे भाई यहाँ पे, ये देख लो ना रेट, रेट दिखा दिए मैंने आपको खाने वाला, वीडियो रोक के देख लेना। गाइस रेस्टिंग टाइम, सही सीन है ये भी, लेकिन जो ले जा रहा है उसकी तो हालत खराब हो जाती होगी यार, और घोड़े की तो और होती होगी, पीछे से घोड़े को मारते भी है धीरे धीरे चलता है तो, है ना भैया, पीछे घोड़े को मारते भी है ना, नहीं चलता तो अच्छा नहीं लगता। पूछ पकड़ के चलते हैं, देखो पूछ भी सहारा बनाते हैं, ये भी थक जाते हैं, दर्द दर्द तो सारे थकेंगे। हाँ हम तो भाई यंग बच्चे हैं आजकल के, अगर हम ही घोड़े ले लेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी बताओ। हाँ हैं, तो देंगे भाई इतने इतने जवान बच्चे घोड़े लेके जा रहे ऊपर, हैं बताओ। मेरे को तो इतना मतलब प्रॉब्लम भी है, तब भी मैं घोड़ा वो नहीं कर रहा कि मुझे घोड़ा लेना चाहिए। भाई बस जुनून हो ना अंदर कि मुझे जाना है तो आप पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, बस भगवान का नाम लेते रहो। ये भैया की गर्लफ्रेंड ने घड़ी गिफ्ट करी है ना, ये कब से पीछे पड़े हुए कि घड़ी दे दो घड़ी दे दो। और तो इसको मिलती नहीं है ना, इसकी गर्लफ्रेंड क्या देती है, 15 रुपए वाला चश्मा, वो बाबूराव नहीं, वो बाबूराव राजू। वही वाला चश्मा। क्या सीन है ना गाइस, अगर आप हार्ड पेशेंट हो ना, मतलब दिल के मरीज हो, तो आप जीना मत यूज करना, ठीक है, उधर लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया, ये यूज करना। ये देखो इनका तो हालत ही खराब हो गया, छोटा सा जीना यूज किया था, पैर जैसे लग रहा था खत्म है, बस जितनी भी एनर्जी बची है वो भगवान की कृपा से बची है। यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना तो हम आधा पहुँच गए, फिर आधा और है। बर्गर चल रहा है हमारा, 40-40 का बर्गर है, अभी बर्गर खा के फिर चढ़ेंगे, अभी आधा भी नहीं पहुँचे, 2 लाइन और चढ़ेंगे फिर आधा पहुंचेंगे। ये सबसे ज्यादा थक रहे हमारे ग्रुप में, ये फिर मैं फिर ये, चलो खाते हैं फिर मिलते हैं बाद में। ये देखो अर्धकुमारी का जा रहा है इधर, ठीक है ये वाला रास्ता। क्या है ना गाइस, अगर आपको अर्धकुमारी में दर्शन करने हैं तो आपको 12 घंटे की वेटिंग लिस्ट मिलेगी, ठीक है। आप ना पहले अर्धकुमारी में आना और अपना पास लेना, और फिर वैष्णो देवी जाना, क्योंकि ये 12 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। जब तक आप
वैष्णो देवी में दर्शन करके भी आ जाओगे। वो पहाड़ देखो बहुत मस्त, हवा बह रही है बहुत मस्त। चलिए ठीक, जय। कहाँ जाना है? क्या ऊपर ही चलना है? ऊपर ही चलना है। ये देख लेना भाई रेट खाने का, जो पीछे दुकानें है ना खाने वाली, उनसे कम रेट है। इधर हमने लिया है राजमा चावल 45 रुपए प्लेट, क्वालिटी देख लो भाई। वहाँ मिलेगी पर्ची आपको अर्धकुमारी में दर्शन करने की, भोजनालय के ऊपर ही। हाँ, भोजनालय जहाँ हमने खाना खाया था ना, ये नीचे। यहाँ से आओगे ना डायरेक्ट पहुँच जाओगे आप। भाई 12 से 15 घंटे की वेटिंग है, तो पहले इधर ही आना और अपना मतलब कूपन ले जाना, जो भी कार्ड बनता है, तब जाके वैष्णो देवी जाना, फायदे में रहोगे। कुछ इस तरह से मिली है हमें पर्ची 3 जनों की। अब जा रहे हैं हम वैष्णो देवी दर्शन करने, फिर चले जाएंगे भैरव बाबा, ठीक है? फिर वहां से लौटेंगे ना, तब हमारे 12 घंटे हो जाएंगे कंप्लीट। और सामने का व्यू अल्टीमेट है, दिखाता हूँ मैं आपको गाइस। वैष्णो देवी का मंदिर ना इसके पीछे है, तभी आपको नहीं दिख पा रहा। ये वाला जो रास्ता अपनाया है ना हमने, वो बहुत कठिन है। इसकी ना सीधी चढ़ाई है, तो थोड़ा वो सांस फूल रही है। इनको देखो, माता जी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई? जय माता दी। सारे बोलो मत कर, जय माता दी। हे माता रानी प्लीज, शक्ति दे माँ शक्ति, ताकि हम दर्शन कर सके। नन्ने नन्ने बालक हैं, पैर दुख गए हमारे। शक्ति, हेलीकॉप्टर का अड्डा ये है और एक नीचे की साइड है इधर, वो कवर करना है वो, ठीक है? वहां से जाके फिर उस तरफ इसकी पल्ली साइड। वो बिजली कड़की ना, बारिश उड़ीस होगा लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ चला काला काला बादल। गाइस क्या है ना, अभी इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड, मतलब जितना ऊपर जा रहे हैं ना उतना ठंड बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी स्वेटर पहनना पड़ेगा आते वक्त। यहाँ से ना गाइस 3 किलोमीटर दूर है वैष्णो देवी का मंदिर। 3 किलोमीटर की अभी चढ़ाई बाकी है, फिर उसके बाद जो भैरव बाबा का मंदिर है ना, उसमें भी चढ़ाई करनी होगी। हमारे सामने है वैष्णो देवी का मंदिर, सामने बस कुछ मिनट और लगेंगे वहां तक पहुंचने में, तो चलते हैं। अपने लॉकर में रखना वाला, बेल्ट भी नहीं लगाने देते वो, तो बेल्ट भी नहीं, पैंट टाइट है ना, वेल वेल कुछ नहीं जाता ना, बेल्ट भी नहीं, बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं, बैग भी नहीं ले जाना, वरना आपको फिर वापस करेंगे। तो यहीं पे करवा पहले रखो, तब चलेंगे सब, जॉकेट ले लेंगे, ठंडा लग रहा है। थैंक यू आंटी, आपने बता दिया। ये केबल वाली तार आ रही है, क्या बोलते हैं इसे, केबल रोफ कुछ बोलते हैं। इनका सीन देख लो भैया, बाय बच्चों बाय। वो उधर से आ रही है, देखो एक वहां से जाती है तो एक इधर से आती है, ऐसा सीन है। अर्धकुमारी से वे टू भवन की तरफ का रास्ता होगा, वो कोई सोने का भवन नहीं होगा, वो माता रानी का भवन होगा। वो वाला रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है, मतलब रोड आपको सपाट से मिलेगी, ऊंचाई नहीं मिलेगी। जो ऊंचाई वाला जो रास्ता सामने आपको दिखेगा ना, वो तो बहुत कठिन है यार। यार वो उस पर चढ़ते चढ़ते तो हालत खराब है बंदों की। जिसे जिसे मालूम नहीं था ना, वो बहुत पछता रहे होंगे। ऊपर से जो आ रहे थे ना, वो बोल रहे बहुत कठिन है, नीचे चलो। लेकिन हम लोगों ने बोला कि अब पीछे तो मुड़ना नहीं है, देखो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, तो चलो आगे 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 चलते रहे भाई। पैर दर्द हुए लेकिन क्या, लेकिन बहुत आसानी से मंजिल मिल जाए तो भाई, थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव आते ही है जीवन में। लॉकर देखो, यहाँ पे सारी चीज जमा हो जाएगी। एक जने का आधार कार्ड लगेगा, तब लॉकर मिलेगा, एंड निशुल्क है ये।
पैसे नहीं लगते इसके कोई भी। यहाँ से लॉकर का नंबर मिलेगा कौन सा अलॉट हुआ है आपको, और ये सब लॉकर्स हैं, देख लो गाइस। ये लॉकर है हमारा, अभी बैग डाल रहे हैं हम और जूते भी डालेंगे। क्या है ना गाइस, दर्शन करके मिलते हैं आपसे, ठीक है। Hey, Bill, I'm in a move for a switcher.